हेलो दोस्तों, ये है थ्रोन ब्रेकर का 3.1 का एपिसोड। एंड 3.1 सबसे डिफिकल्ट लगता है मुझे, क्योंकि इसमें बॉस जो है वो है ज़ेमो, एंड उसको हम यहाँ पे पैरी नहीं कर सकते। मेरे पास मैग्नीटो भी नहीं है जो उसका काउंटर है, एंड मैं शांगची को यूज़ करने वाला हूँ उसके खिलाफ, और मैं हरकुलिस को टीम में रखने वाला हूँ। एंड हमें यहाँ पे स्किल अटैकर्स की टीम चाहिए जो ब्लीड देती होती है एंड आर्मर ब्रेक कर सकती है। यहाँ पे ब्लीड फाल्कन देता है, यहाँ पे मोरमैन ब्लीड देता है, यहाँ पे निक फ्यूरी ब्लीड देता है, एल्सा ब्लडस्टोन यहाँ पे ब्लीड नहीं देती, तो हम इसको निकालने वाले टीम से। एंड हम यहाँ पे हरकुलिस रखेंगे। शांगची को मैं ज़ेमो के लिए रख रहा हूँ, हरकुलिस को भी मैं यहाँ पे ज़ेमो के लिए रख रहा हूँ। फिलहाल हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं ज़ेमो पे कितने रिवाइव लगने वाले हैं। कोशिश करूंगा उसे लपेटने की एंड देखते हैं यार, वो डिफिकल्ट है भाई। सच में ज़ेमो बहुत डिफिकल्ट लगा है मुझे, कैवेलियर में भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगा है मुझे। डी पाथ ले या सी पाथ ले या ई पाथ ले, कौन सा पाथ ले हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई भी पाथ चलेगा मुझे। यहाँ क्या है, हर 10 सेकंड में फ्यूरी आर्मर अप होगा, हर एवरी 6 सेकंड अटैकर इज पावर लॉक, स्किल अटैकर चाहिए, डिफेंडर ओके, डिफेंडर थंडरबोल्ट और इनह्यूमन में मेरे पास कोई अटैकर नहीं है। अच्छा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एल्सा ब्लडस्टोन है ना, उसमें ब्लीड डालना है, तो मतलब वो एल्सा वहाँ पे मेरे को म्यूटेंट लाना पड़ेगा एक। हम क्या करते हैं, डी पाथ लेते हैं ओके। यहाँ पे हैम डाल के फाइट करनी है हमें, चैलेंजिंग फाइट मेरे लिए। यहाँ पे इस पाथ में तो मुझे लगता नहीं है कोई है, लेकिन बॉस बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। सच में मेरे को बॉस भाई नफरत है मेरे को ज़ेमो से भाई, इतना तगड़ा नोट डाला है उस पर, क्लीनजे वाला नोट डाला है। और यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग फाइट मेरे लिए मोजो होगी, मोजो वाली, क्योंकि मोजो यार प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे नोट्स कुछ ऐसे हैं कि हमें अगर हम ब्लीड डालेंगे तो हमें क्रॉस चार्ज मिलना शुरू हो जाएंगे, और उससे क्या होगा कि हमें फ्यूरीज मिलना शुरू होगी, और द डिफेंडर रोटेट मतलब स्टन इम्यून होगा, स्लो इम्यून होगा, हील ब्लॉक इम्यूनिटी होगा, हर 8 सेकंड में ये अपनी इम्यूनिटी बदलेगा। तो ये फाइट्स जो है यहाँ पे लंबी होगी, और इसकी हेल्थ जो है 367,000 की हेल्थ है। ये भी प्रॉब्लम ही है यार एक किस्म की, इतना ज्यादा हेल्थ पूल कर दिया है इन्होंने। इस बार जो बॉस दिया है ज़ेमो, वो सच में एक ईओपी से कम नहीं है, इटर्निटी ऑफ पेन से कम नहीं है ये ज़ेमो। और जो यहाँ पे दूसरा बॉस है वो एब्जॉर्बिंग मैन, वो भी उसके कम नहीं है इटर्निटी ऑफ पेन से। अगर इटर्निटी ऑफ पेन में वो दोनों बॉस आ गए तो भाई अपने को लगने वाले हैं, क्योंकि लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम इसे स्पेशल 2 पे नहीं लेके जा सकते क्योंकि ये स्टन डाल देगा, तो यहाँ पे हमें मारते रहना है, क्योंकि हर 4 सेकंड में यहाँ पे हम पावर लॉक हो जाएंगे तो प्रॉब्लम। अरे भाई साहब ऑटो ब्लॉक कर गया यार, अबे यार स्पेशल 2 पड़ा था भाई। एक तो ये मरते मरते ना अपना स्पेशल छोड़ता है यार, अपना ये छोड़ता है हैवी, मरते मरते हैवी है, मरते मरते हैवी डालेगा, इतना स्लो मोशन में डालता है भाई ये बंदा। ओके मैं पावर लॉक हो गया हूँ अगेन, अच्छी बात ये है कि हम ब्लीड डाल सकते हैं यहाँ पे। एंड अगेन ये स्लो इम्यूनिटी पे आ चुका है। ओके यहाँ पे स्पेशल 1 स्पैम करवाना है, पावर लॉक हो जाऊंगा नहीं तो। हील ब्लॉक इम्यूनिटी आ चुकी है उसे, तो हील ब्लॉक नहीं होगा उसका। एंड अब हर फिर से यहाँ पे स्टन इम्यूनिटी आ चुकी है, स्टन नहीं होगा ये। ओके अबे यार स्पेशल मारना भाई मेरे। ओके स्लो इम्यूनिटी आ चुकी है वापस से, एंड अब यहाँ पे आई होप कि मेरा स्पेशल 2 रेडी हो जल्दी से जल्दी। एंड ये कितना हैवी मारता है यार, बंदा है क्या है ये। ओके यहाँ पे स्पेशल 2 दे सकते हैं हम। अब ये फाइट खत्म है, मुझे लगा था खत्म हो गई लगभग, अब हो गई खत्म। एक हिट रिसीव्ड हुआ है यहाँ पे एंड काफी डैमेज दे दिया। 7 स्टार का यही सीन है यार, एक तो इनका अटैक रेटिंग इतना ज्यादा, इतना डैमेज देते हैं ये। ओके तो गाइज यहाँ पे कल ऑब्सिडियन के साथ फाइट है, तो हमें यहाँ पे स्टन तो नहीं कर पाएंगे पहले 8 सेकंड में, लेकिन हम यहाँ पे ब्लीड जरूर डाल सकते हैं। एंड स्लो इम्यूनिटी आ चुकी है इसकी, इसका स्पेशल 2 तक हम पुश कर सकते हैं इसको, दोनों स्पेशल्स जो है इसके आराम से डेक्स कर पाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आती हमें। एंड 8 फ्यूरीज हो चुकी है, तो डैमेज भी इंक्रीज हो चुका है यहाँ पे निक फ्यूरी का। ये दिया हमने स्पेशल 2 एंड स्टन तो नहीं होगा ये, यही गलत समय पर मार दिया स्पेशल 2, तो इसे पावर लॉक किया मुझे।
लो इम्यूनिटी आ चुकी है इसे एंड बड़ा टाइम लेता है यार इसका स्पेशल वन भी। हील ब्लॉक इम्यूनिटी आ चुकी है, ओके स्टन इम्यूनिटी आ चुकी है, इसका मतलब स्पेशल टू नहीं मार रहा है अभी एंड मैं चाहता हूँ अपना स्पेशल जो है स्पैम करे और अब हम स्पेशल टू दे सकते हैं लेकिन हम पावर लॉक हो चुके हैं एंड ये फाइट भी लगभग खत्म हो चुकी है। चलो काफी अच्छा मारा यहाँ पे निक फ्यूरी ने एंड चलते हैं अगली फाइट पे। गाइस यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले एक बूस्ट है जो मेरा एक्सपायर होने वाला है कुछ ही टाइम में, तो इससे अच्छा है एक्सपायर हो जाए मैं उससे अच्छा है कि यूज कर लूँ। 20% अटैक बूस्ट कर लिया है मैंने, अपना हेल्थ भी बूस्ट कर लिया है 20%। यहाँ पे एक्सपायर होने से अच्छा है ना बूस्ट यूज कर लो तुम। ओके इस फाइट में थोड़ा दिमाग खराब होगा अपना, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होगा एक्चुअली में, क्योंकि यार ये जो बंदा है ना एंटी फील्ड लाता है ना जब ये, तो अपने लग जाएंगे अगर मैंने कोई भी यहाँ पे स्पेशल कोई भी बफ गेन किया। अब एंटी फील्ड में अगर मैंने कोई भी बफ गेन किया और मैंने ख़त्म किया उसको, कोई भी बफ मेरा एक्सपायर होता है तो अपने को डीजन मिलेगा एंड अगेन पावर लॉक लग चुका है यहाँ पे। चलो 8 फ्यूरीज के साथ हम यहाँ पे ब्लीड दे रहे हैं। ओहो मैं इसको स्पेशल टू पुश कर गया भाई, ओके स्टन इम्यूनिटी है यहाँ पे एंड ओ नो यार मेरा स्पेशल टू भी नहीं बना था क्या? ये ब्लीड का डैमेज कितना मिल रहा है यार, पीछे रहो क्योंकि मैं डेक्स नहीं करना चाहता हूँ। ओके मैं स्पेशल वन स्पैम करना चाहता हूँ इसका। यार मेरे को एक बार बताओ इसका स्पेशल टू बना कैसे यार? अभी मैं मारूंगा ना डेक्सिटी हर्टिंग, अब मार सकता हूँ। अबे यार इसका फिर से एंटी फील्ड आ गया, क्या कर रहा हूं मैं यार। ये लो फिर स्टन इम्यूनिटी आ गई इस बंदे को यार। स्पेशल टू दो यहाँ पे स्टन करो साले को, अदा यार स्टन भी। अरे भाई इसे तो मेरे को खा गया ये, यही प्रॉब्लम थी यार मोजो के साथ में। ओके नेक फ्यूरी डाउन हो चुका है, अपने को मोलमैन लाना पड़ेगा अब यहाँ पे, इसी से ब्लीड दे सकते हैं हम। तो साले रुक मर जा भाई मेरे, मर जा, कब मरेगा? ओके डन, चलो अगली फाइट पे चलते हैं। आई थिंक लोकी के साथ है अगली फाइट जो है हमारी। ओके गाइस यहाँ पे रावणन के साथ फाइट है, तो जितना हम यहाँ पे ब्लीड दे सकते हैं उतना हमारे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि फ्यूरीज अगर गेन करनी है तो हमें ब्लीड तो जरूर देना पड़ेगा एंड इसके स्पेशल जो है वो भी आराम से यहाँ पे इंडेक्स हो सकते हैं। अबे यार स्पेशल स्पैम कर यार, इतना टाइम नहीं है यार। ओके मेरे को अपने चार्जेस बिल्ड करने पड़ेंगे। स्पेशल टू ही दे देता हूँ। ओके चार फ्रिंज चार्ज आ गए यहाँ पे। ओके 8 चार्जेस हो चुके हैं। अबे फेंक ना स्पेशल भाई, 6 फ्यूरीज है, पावर लॉक हो चुके हैं, स्टार इम्यूनिटी आ चुकी है यहाँ पे, 8 है हमारे पास फ्रेंजी, फ्रेंजी नहीं हुए अभी तक है ना। अबे जा अबे 10 फ्यूरी आ चुकी है यहाँ पे एंड डैमेज अच्छा खासा यार, इतना भी बुरा डैमेज नहीं मिल रहा। ओके इसने मेरे को मेरी तो ऐसे के तैसे क्रिटिकल शॉट देने से तेरे को भाई। ओके चलो डन हो गई फाइट, यहाँ पे थोड़ी बहुत हिट रिसीव्ड हुई, यहाँ पे 2 हिट्स रिसीव्ड होगी। ओके लोकी के साथ फाइट है अभी तो, स्टन इम्यून नहीं है। ओके हमें क्या करना है कि हमें ना इसे पैरी करना है, पहले तो पैरी करके हैवी स्पैम करने वाले। अरे यार पैरी पकड़ ले भाई, पावर वॉक करे जा रहा है मेरे को, एक तो ब्लीड भी नहीं लग रहा है इस पे। ओके एक फ्यूरी अब मिली, ओके बढ़िया
फिजिकल वल्नरेबिलिटी भी लगा दिया, दो फ्यूरी आ गई। भाई वापस से स्टन इम्यून हो गया क्या? ओके यहाँ पे एक और ब्लीड लगाया, एक और यहाँ पे चार्ज बना दिया। ओके पैरी करते हैं, एक और चार्ज बना दिया, 14 हो गए। ओके ये अब हो गया स्टन इम्यून। ओके ये तो रुक जा भाई, मेरे को स्पेशल 2 तक पहुंचने दे तू बस। ये ले स्पेशल 2 एंड 23 का क्रिटिकल हिट भाई, 7.9 के का क्रिटिकल हिट। ओके अमेजिंग, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके वल्चर से फाइट है यहाँ पे, इसके बाद में जेमो आने वाला है यार, उससे बड़ा डर लग रहा है मेरे को भाई। देखते हैं कितने रिवाइव लगेंगे वहां पे। कैवेलियर में तो बड़े लग गए यार। ओके पैरी करते हैं। ओ भाई इतने दूर से मार गया मेरे को, फ्यूज है अपने पास। और ओके स्टन इम्यून हो गया अभी, 6 फ्यूरीज 16 का क्रिटिकल हिट दिया भाई इसने। ओ भाई 25 के का अमेजिंग, 9 फ्यूरीज हो चुकी है अपने को, लेकिन मेरे पास चार्जेस नहीं है तो हमें क्या करना है, पैरी करना शुरू करना चाहिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक और पैरी पकड़ लेता यार प्लीज। अबे क्या कर रहा है? अच्छा मेरा तो अनब्लॉकेबल है ना। ओके डन 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 डन, यहां पे अब हमारी जेमो के साथ फाइट है, देखते क्या करना उसमें। ओके गाइज यहाँ पे जो हेल्थ है वो है 267K की हेल्थ है यहाँ पे, एंड व्हेनेवर रोबोटिक अटैकर, ओके रोबोटिक प्ले में प्रोटेक्शन लगी है मतलब नॉकडाउन करना होगा, सेम टाइप ऑफ बेसिक टॉन्ट लग जाएगा उसे, स्पेशल टू एनहेंस है, व्हेन इन्फ्लिक्टेड विद अ रूट इफेक्ट द अटैकर इज इन्फ्लिक्टेड विद अ स्पेशल लॉक। ओके इसके ये रूट इफेक्ट तब डालता है जब ये सारे अपने प्योरीफाई हो जाते हैं, मतलब आर्मर अप हो जाएगा, अगर जेमो को आर्मर अप आएगा तो ये रूट कर देगा हमें, और हमें इसकी प्रोटेक्शन हटानी है, मतलब हमें नॉकडाउन करना ही होगा इसे। हाँ, और हम मीडियम लाइट मीडियम के अलावा और कुछ यूज नहीं कर सकते हैं ब्रो यहाँ पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है हमें शांची का रोटेशन मारना होगा, मीडियम लाइट लाइट मीडियम का स्टन देना है, उसके बाद मीडियम लाइट मीडियम का कॉम्बो देना होगा ताकि हम यहाँ पे चार्जेस भी बिल्ड करें और इसका नॉकडाउन भी कर सके। देखते हैं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, कोशिश मेरी रहेगी हमको मारने की। ओके नॉकडाउन बढ़िया। स्पेशल 2 नहीं जाना था यार, शिट मैन, ओ नो मैन, शिट यार, तेरी तो हट तेरी वो साले। मैं स्पेशल 1 ही स्पैम करवाने वाला हूं डेफिनेटली। ओके स्पेशल 2 नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओ भाई अमेजिंग डैमेज यार, 49% पे लेके आया हम इसको। ओके स्पेशल 1 फेंकने दो इसको, उसके बाद में हम चार्जेस तो नहीं है मेरे पास, अबे फेंकना स्पेशल 1। ओहो उसने, अरे यार टॉन्ट लग गया भाई, मेरे को उसके ब्लॉक पे मारना था, एक चीज का ध्यान नहीं रहा, हमें उसके ब्लॉक पे 5 फीट का कॉम्बो देना था यार। हम इसके मीडियम जो भी यहाँ पे कॉम्बो है उसको हम ब्लॉक पैरी नहीं कर सकते, लाइट के जो कॉम्बोज होते हैं वो जेमो के ब्लॉक होते हैं। ओके तो प्रोटेक्शन तो हटी यहाँ पे, मीडियम लाइट मीडियम का कॉम्बो देना है, लेकिन इसे मेरे को इंटरसेप्ट कर दिया। ओके मीडियम लाइट मीडियम, सॉरी खांसी आ गई,
एंड मीडियम लाइट, मीडियम बढ़िया। अब मेरे को हैवी देना पड़ेगा, अगर ये स्पेशल यूज करेगा तो ही हैवी दे पाऊंगा। मैं नहीं चाहता भाई मेरे को स्पेशल टू पड़े। अबे मार ले स्पेशल, ये तो डैमेज इतना देता नहीं है, बंदा है क्या? अरे तो बोर कोई ऑप्शन ही नहीं रखा इसने मेरे लिए। अभी तो ये ले, मीडियम लाइट मीडियम मारना है। मीडियम लाइट मीडियम बढ़िया। अब मुझे हैवी देना है, इसको पीछे धकेलते हैं यार। ये तो ऐसी की तैसी, ये ले स्पेशल भाई। ओके 8% मीडियम लाइट मीडियम का कॉम्बो देना है। मीडियम लाइट मीडियम, अरे 1% यार, हट तेरी तो ऐसी की तैसी। भाई साहब इसने बला पिलाया मेरे को कैवेलियर में, और हमने इसको इजीली मार लिया। शांगची ने माए, शांगची ने भाई बहुत हेल्प की हमारी यहाँ पे, शांगची भाई ने। एंड यहाँ पे 3.1 हमने इजीली कंप्लीट कर लिया। अब तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।